शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद भी गांव में आज भी शिक्षा को लेकर लचर स्थिति है और सैकड़ों गरीब बच्चे शिक्षा से कोसों दूर हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के व्यापक प्रचार प्रसार में कमी का ही नतीजा है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। शिखर युवा मंच और पैक्स संस्था ऐसे बच्चों को चिन्हांकित कर शासन की योजना से जोड़ने का काम कर रही है। बुधवार को शिक्षा का अधिकार पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गौरी दत्त शर्मा ने अपनी बातें रखी। जो जनजातियों से जो जहाँ के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उनके ऊपर अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे शेयर किए। बिलासपुर विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है वो मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर है और हमने इन पांचों जिले में पहली बार अपने प्रदेश में ये सर्वे कराया कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है इन पांचों जिले में जहां उच्च शिक्षा ज़्यादा है और उसके क्या लाभ हैं, किस क्षेत्र को ज़्यादा लाभ मिले। तो हमने पाया इन पांचों जिलों में सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा बिलासपुर में है, करीब 26%। और जो हमारे कोरबा मुंगेली हैं इन दो जिलों में उच्च शिक्षा सबसे कम है। बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, कोरबा, कबीरधाम जिले में शिखर युवा मंच दौरा कर बच्चों का चयन करके शिक्षा का अधिकार कानून के तहत योजना का लाभ दिला रही है। हम चाहते हैं कि शाला प्रबंधन समिति अपने गांव के स्कूल में किस तरीके से भेदभाव मुक्त शिक्षा बच्चों को दे, यानी कि जो भी दलित, आदिवासी, महिला और जो बच्चे लड़कियां जो हैं या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहा है और इन बच्चों को हम देखना चाहते हैं कि वो भेदभाव मुक्त एक शिक्षा पाएं। शाला प्रबंधन विकास समितियों का यह सम्मेलन है, जन जुड़ाव है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर के हमने जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है अलग अलग ब्लॉकों में, उन स्कूल के बच्चे वहाँ के शाला प्रबंधन समिति के सदस्य और वहाँ के ग्रामीण जागरूक पंच, इस तरह से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग इसको एक सम्मेलन की तरह मना रहे हैं, जन जुड़ाव का नाम दिया है। इसीलिए शिक्षा के अधिकार पर जन जुड़ाव कार्यक्रम करके गरीब बच्चों को शासन की योजना का लाभ दिलाने 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इस अभियान में सरकारी स्कूलों में ही गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के जन भागीदारी समिति और पालकों की क्या भूमिका होगी इसे विस्तार से बताया जाएगा। कैमरामैन राकेश साहू के साथ सरफराज अली, सिटी न्यूज, बिलासपुर।